एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार में जमीन को जमाबंदी को लेकर सरकार का नया फैसला, पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो बिहार सरकार ने यह घोषणा किया है कि वह अपनी सभी तरह की जमीनों का समुचित रिकॉर्ड रखेगी। इसके लिए सभी तरह की सरकारी जमीन को जमाबंदी कराने की योजना है। इससे संबंधित नियम को अंतिम रूप देने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगा हुआ है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसकी शुरुआत आसान या सरकारी कब्जे में मौजूद सभी तरह की जमीन से होगी। ऐसे सही जमाबंदी का पूरा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास रहेगा। सरकार की कहा है कितनी जमीन और वह किस स्थिति में है, इसका पूरा विवरण लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। मैं बता दूं कि वर्तमान में सरकारी जमीन की जमाबंदी का कोई प्रावधान बिहार में नहीं है। किस योजना अन्य कार्यों के लिए जमीन का हस्तांतरण संबंधित एजेंसी या लोगों को कर दिया जाता है, अब हस्तांतरण के साथ साथ ही जमाबंदी भी कर दी जाएगी। तो मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने जो है बिहार में जमीन की जमाबंदी को लेकर पहले ही आपको नियम में बदलाव संशोधन कर चुका है, जो कि बिहार में जमीन की जमाबंदी को लेकर सरकार का अब नया फैसला भी आ चुका है, जो कि उस प्रक्रिया जो उस प्रोसेस पर जो है अपने पास जो है जितनी भी जमीन है उसका जो है अपने पास रिकॉर्ड रखेगी। तो जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी गई है, जो कि पूरी जमीन बिहार में जितनी भी जमीन सबका रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन होगा। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय भारत।